मेरा नाम मनीष कुमार पंडित हुआ। पहले दिल्ली मनेसर गुड़गांव में मारुति सुजुकी में जॉब करते थे। फिर वहाँ से जब एक साल करने के बाद फिर हम यहाँ आए गांव पे, तो अखबार में मालूम चला कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन मिल रहा है। फिर हमने अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ सर। सिलेक्शन होने के बाद एक दो महीने बाद फिर ट्रेनिंग हुआ 15 दिन के लिए पटना में। फिर ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद पहला किस्त आया। फिर पहला किस्त आया तो सेट और मशीन के लिए ये खड़ा किए। दूसरा किस्त आया तो फिर मशीन लिए। फिर तीसरा किस्त आया तो पूरा सेटअप तैयार हुआ, रॉ मटेरियल लाए। कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पर सर, प्लांट पर। रॉ मटेरियल राजस्थान से लाए हैं कुछ, और बाकी ये मक्का, सरसों, DOC सरसों खरी बिहार से उपलब्ध किए हैं, मिक्स कर बना रहे हैं। इस काम में 3 व्यक्ति रखे हैं। पर व्यक्ति को 8,000 सैलरी है पर मंथ। तीनों को कुल मिलाकर 24,000 सैलरी दे रहे हैं सर। उम्मीद ये है यही कि बेहतर से बेहतर आगे परफॉर्मेंस होगा, मार्केट में जाएगा तो सैलरी 50,000-60,000 अर्न हो सकता है पर मंथ। बेहतर यही है सर कि गांव में अपना रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं। बाहर रहते थे तो आने जाने में परेशानी होती थी, गांव में अपना ही रहकर रोजगार भी दिए हैं। लाइफ में बदलाव सर यही है कि पहले दूसरे कंपनी में वर्कर के रूप में काम करते थे, आज ये है कि हम अपने दम पर अपना कर रहे हैं। अभी पहले से अपेक्षा अभी स्थिति अच्छी है। उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिला रहता तो पहले प्राइवेट जॉब ऐसे 8-10 जॉब करते हैं, उसे स्थिति सही नहीं चलता, बच्चों का मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता। ITI किए थे, ITI करने के बाद सिलेक्शन हुआ था, कैंपस सिलेक्शन के थ्रू गए थे, उसमें 1 ईयर के लिए ही रखा था। फिर वो दोबारा नहीं सिलेक्शन हुआ, इस वजह से फिर गांव में ही अपना रोजगार करने लगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो 10 लाख मिला है उसमें 50% ही वापस करना है, 84 किस्त में 7 साल में वापस करना है। उसमें 4 कैटेगरी था, युवा था, ST ST और EBC। मेरा सिलेक्शन EBC में अति पिछड़ा वर्ग में हुआ है, इसमें इंटरेस्ट नहीं देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि ये योजना लाएँ, योजना के लाभ मिला हमको।